हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। चलिए थोड़ा घूम लेते हैं, जंगल घूमेंगे और सी बीच घूमेंगे। नवंबर की 11th पे हम लोग गए थे 2019 पे। जीपीएस पे हम लोग सेट किए थे सीनिक ब्यूटी ऑप्शन। इंडिया पे जीपीएस पे ऐसे सेट किया जाता है कि नहीं मैं नहीं जानती, पर यहाँ का जीपीएस पे अगर आप सीनिक ब्यूटी ऑप्शन दो तो आपको सीनिक ब्यूटी का रोड से लेके जाएगा। तो हम लोग थोड़ा जंगल पे घुस गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ग्रीनरी देख के। फिर हम लोग जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ से बाहर निकल के आए, फिर हम लोग थोड़ा जंगल पे घूमे थे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जा रहे हैं डेटोना बीच पे, बहुत सुंदर बीच है। जो जो फ्लोरिडा घूमने आते हैं एक बार डेटोना बीच ज़रूर जाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा फ्रेंड भी वहाँ पे रहती है और कार के पीछे से ऐसे दिख रहा है जंगल, बहुत सुंदर, बहुत ग्रीनरी। लॉन्ग ड्राइव पे जाना मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे सारे दिन के लिए चले जाते हैं। ये है वैसे ही एक डे ट्रिप जो नवंबर पे 11th of November हम लोग गए थे। और सामने का रास्ता ऐसे है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। घर पे जितना भी बड़ा गार्डन हो, ऐसे ग्रीनरी सिर्फ जंगल पे आके ही आपको देखने को मिलेगा। और अभी इस जगह पे आ गए, ये पैडी फील्ड जैसे है, जैसे धान जहाँ पे जो फार्मिंग करते हैं ना, वैसे जगह जैसे है। कितना पानी आके पूरा कांच पे लग रहा है। तो इस जगह पे मैं दो बार आई, मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे दो बार आना है इस जगह पे। पूरा साउथ कैलकाटा पे जब बारिश होते हैं, जो पॉपुलर एरिया है, पॉश एरिया है, वहाँ पे जब टैक्सी लेके जाती थी बचपन पे, तो ऐसे पानी आके कांच पे लगते थे, बहुत अच्छा लगता था। वो मेमोरी मुझे याद आ गई। अभी दो तरफ समुंदर है, वो जगह था, नदी था, नदी का जो टाइड आते हैं ना, शायद वह बड़ा वाला टाइड आए थे इसीलिए ऐसे हो गए थे। फ्लोरिडा पे नदी मैं कम ही देखती हूँ, समुंदर ही समुंदर है चारों तरफ। अभी दो तरफ है सी और ऊपर एक ऐसे ब्रिज है, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और पाम ट्री तो बहुत मिलेगा आपको फ्लोरिडा पे, बहुत सारा पाम ट्री होते हैं। ये और एक बिल्डिंग है, वाइट बिल्डिंग, बहुत अच्छा है ये वाला बिल्डिंग। और ये येलो बिल्डिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग अभी डेटोना बीच के तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ा वाला गेट है, वेलकम टू डेटोना बीच लिख के। बहुत अच्छा लगे थे उस दिन, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। अभी ट्रैफिक पे थोड़ा रुक गए हैं, अभी फिर ट्रैफिक छोड़ देगा तो फिर डेटोना बीच के तरफ चले जाएंगे। उस दिन बहुत फन किए थे। और वहाँ पे जो सोवेनियर शॉप है वहाँ से भी मैंने कुछ छोटा छोटा मैंने लिया था, जो शो पीसेस है वो। देखिए कितना सुंदर विस्टा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यह है हिल्टन होटल, ये डेटोना बीच वाला हिल्टन होटल है। आप लोग कभी फ्लोरिडा घूमने आओ तो डेटोना बीच पे ज़रूर एक बार आना, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत सुंदर है। हम लोग पहुंच गए हैं डेटोना बीच पे। यहाँ पे पायर है, पायर पे क्रैब शैक है, मतलब शैक है। और ये होटल आप देख रहे हो दूर पे, ये 5-star होटल है। और यहाँ से समुंदर पायर के ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है समुंदर। अभी सनसेट होने वाला है और समुंदर इतना बड़ा बड़ा लहरें देख के मुझे, मैं बचपन पे जाती थी दीघा और पुरी, ये हर साल हम लोग जाते थे। बड़ा वाला ट्रिप इंडिया के अंदर लेते हैं या नहीं लेते हैं, पर पुरी हर साल जाएंगे तो पुरी का याद आते हैं। कुछ चीज़ें देख के ना मुझे इंडिया का बहुत याद आते हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें मेरा ये डे ट्रिप नवंबर का 2019 पे ये डे ट्रिप लिए थे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। नीचे देखिए फोटोशूट हो रहा है, कोई मैरिज का फोटोशूट हो रहा है, यहाँ पे बहुत लोग आके फोटोशूट करते हैं।
और खुद करते हैं, क्योंकि कोई फोटोशूट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, इसीलिए। यह है रेस्टोरेंट पायर के एकदम एकदम एंड पे ये रेस्टोरेंट है, और ये हूं मैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये लहरें। मैंने कोई इफेक्ट कोई एडिटिंग ऐड नहीं किया, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हम लोग नीचे जाके भी ये लहरें देखेंगे। आज जब मैं देख रही थी ये वीडियोस तो मुझे याद आ रहा था डेटोना बीच का, उस डे ट्रिप का। अभी थोड़ा ड्रीम काइंड ऑफ लगता है ये डे ट्रिप पे जाना, रेस्टोरेंट पे खाना। यह है ईट एट जोईज, ये वाला रेस्टोरेंट। बहुत सुंदर सजावट इनका, और अंदर भी मैं जा रही हूँ, अंदर भी जाने दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं खाए, बाद में हम लोग दूसरे एक रेस्टोरेंट पे डिनर किए थे, ऑलिव गार्डन बोल के। देखिए कितना जोर से लहरें आ रहा है, आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरा मन तो बहुत खुश हो गया ये देखते देखते। लग रहा था कि मैं चली गई इस जगह पे, और ये गेट है उसके बाहर ना आप नहीं जा सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे गेट लगा के रखे हैं। और यहाँ पे बहुत लोग फिशिंग करते हैं, एक आदमी फिशिंग कर रहे थे और बहुत लोग जुट गए थे फिशिंग करने के लिए, ऐसे फिशिंग कर रहे हैं। जरूर इन लोगों को कुछ मिलता होगा। अभी सनसेट हो गए हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, सांडे को एक बड़ा वाला तूफान आने वाला है, शायद डेटोना बीच के उधर से गुजर जाएगा। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नहीं आएगा, तो डेटोना बीच का बहुत याद आ रहा था। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ डेटोना बीच पे, पर इस साइट पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी लास्ट ईयर नवंबर पे। ये वाला शॉप्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने 2-3 शोपीस खरीदा है। आप आओ तो ज़रूर जाना ये शॉप पे, बहुत अच्छा है। हमारा डे ट्रिप अभी ख़त्म हो गया, अभी सूरज ढल गए, सनसेट हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, पंछी भी जा रहे हैं अपने अपने नेस्ट पे, हम भी जा रहे हैं हमारा होम स्वीट होम पे। एंड ऑफ द डे हम लोग जितने भी घूमे, होम इज स्वीट होम। तो घर पे तो जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा। और मैं जब घर लौट के आती हूँ ना, कहीं पे भी घूमने जाऊँ, जब घर लौट के आती हूँ मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ जब घर लौट के आती हूँ। घर की तरह जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो कहाँ मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये डे ट्रिप डेटोना बीच का कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।